मतलब मेरे पास काफी अच्छा सेविंग था, स्कूल खत्म होते होते मेरे पास ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार रुपए तो तब, दैट्स लाइक 2001-2 की बात कर रही हूँ मैं। एंड तब मैंने मॉम को बोला था यार अब क्या करूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास मैं क्या करूँ, और तब मॉम ने बोला था यू कैन बाय गोल्ड। सो इन 11th स्टैंडर्ड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। डिड यू बाय ज्वेलरी और डिड यू बाय गोल्ड? नहीं, तो उसको हम मराठी में वड़ा बोलते हैं। वड़ा इज लाइक इट्स जस्ट अ प्लेन रिंग काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच हैज नो मेकिंग चार्जेस। सो जैसे कड़ा रहता है ना, तो मतलब उसमें कुछ डिजाइन नहीं, कुछ इंटेलिजेंटली किया था ये परचेज की गलती से हो गया कि मेकिंग चार्जेस नहीं था। मम्मी, अरे वेरी स्मार्ट, मम्मी ने बताया मुझे। तो ये बॉट इट, हां आई बॉट इट। सो यू कैन इमेजिन आई बॉट सोना एट 8,800 रुपीस पर ग्राम, तब 10 ग्राम लिया था। तो आज का वैल्यू, मतलब जो हम हमेशा चैनल्स पे बोलते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो आई विटनेस्ड दैट। यू स्टिल हैव दैट कड़ा? यस यस ऑफ कोर्स। इंटरेस्टिंग यार, तू कितना कमाता है?